जय माँ भवानी। राजपूतों के प्रमुख 36 राजवंशों में से एक विशिष्ट वंश है परमार वंश। इन्हें ही पंवार भी कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक परमार राजपूतों का इस देश में विशाल साम्राज्य था। इन वीर राजपूतों के इतिहास का वर्णन करने से पूर्व हम इनकी उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। परमारों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अनेक मत हैं। परमार क्षत्रिय परंपरा में अग्निवंशी माने जाते हैं। इसकी पुष्टि साहित्य एवं शिलालेख भी करते हैं। अग्निकुंड से परमारों की उत्पत्ति को वाक्तपुंज के दरबार कवि पद्मगुप्त द्वारा नवसंसाहक चरित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि रहते थे। उनकी गाय नंदिनी को विश्वामित्र छल से हर ले गए। इस पर वशिष्ठ ने क्रोध में आकर अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ जो शत्रुओं को पराजित कर गोमाता को ले आए। उसी वीर पुरुष के वंशज उसके नाम पर परमार अथवा पंवार कहलाए। इसी बात का वर्णन डूंगरपुर व बांसवाड़ा राजस्थान में परमार चामुंड राज द्वारा बनाए गए महादेव मंदिर में मिले शिलालेख भी करते हैं। उन शिलालेखों के अनुसार भी गुरु वशिष्ठ की गाय को ले जाने पर दिव्य पुरुष ने ही परमार वंश की स्थापना की, तथा यह सभी बातें पृथ्वीराज रासों में भी देखने को मिलती है। वहीं भविष्य पुराण के कुछ श्लोक के माध्यम से यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक के समय में आबू पर्वत पर ब्राह्मणों ने यज्ञ कर 4 क्षत्रिय वीर पुरुष उत्पन्न किए, परमार, चौहान, चालुक्य तथा प्रतिहार। इन्हीं के नाम से ये वंश चले। भविष्य पुराण के अनुसार प्रथम आबू यज्ञ सम्राट अशोक के समय में 232 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व के मध्य हुआ और दूसरा यज्ञ 6वीं शताब्दी में गुरु वशिष्ठ ने किया। इसलिए विष्णु पुराण के अनुसार प्रथम यज्ञ से ही परमारों की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे प्राचीन उल्लेख परमार सियक के हरसोर, जो कि अहमदाबाद के पास है, में मिले विक्रम संवत 1005 के दान पात्र में पाया गया, जिसके अनुसार परमारों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से मानी जाती है, तथा राष्ट्रकूटों की भांति ही परमारों को भी चंद्रवंशी माना गया, तथा वाकपति मुंज के दरबारी कवि हलायुद्ध द्वारा रचित मर्त संजीवनी में भी परमारों को राष्ट्रकूटों का वंशज तथा चंद्रवंशी माना गया है। पंजाब के परमार आज भी स्वयं को चंद्रवंशी ही मानते हैं। वहीं श्रीमद् भगवत गीता, वायु पुराण एवं बंगाल के चंद्रवंशी राजा विजय सेन के शिलालेखों के अनुसार भी परमार को सोमवंशी अर्थात चंद्रवंशी कहा गया है, परंतु परमार स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उदयपुर एवं पटना के शिलालेखों में भी परमारों को वशिष्ठ गोत्रीय सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया है। परान मारतीति परमार अर्थात शत्रुओं को मारने वाला ही परमार कहलाता है। परमारों के मुख्य राज्य थे मालवा, बागड़ मेवाड़, आबू राजस्थान, जालौर राजस्थान, किराड़ू राज्य, तथा नवीन राज्य थे दाता गुजरात, पिसागन अजमेर, देवास तथा धार राज्य मध्य प्रदेश, टेहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल राज्य, जगदीशपुर व डुमराव बिहार, राजगढ़ व नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, छतरपुर राज्य, बेड़ी राज्य, अमरकोट राज्य सिंध पाकिस्तान, पारकर राज्य तथा जगमेर राज्य। यह सभी मुख्य राज्य थे परमार राजपूतों के। इन सभी राज्यों का विस्तार से इतिहास हम हमारी वेबसाइट rajputmystery.com पर देखेंगे। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, साथ ही और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। परमार वंशीय राजपूतों का गोत्र होता है वशिष्ठ, प्रवर होता है वशिष्ठ, अत्रि सांकृति, वेद होता है यजुर्वेद, उपवेद होता है धनुर्वेद, शाखा होती है माध्यनिंदनीय, सूत्र होता है पारस्कर ग्रह सूत्र, वृक्ष होता है कदम का या पीपली, इष्ट देव हैं सूर्य देव या महादेव, तलवार है रणतरे, ढाल है हरियण, निशान है केसरी, ध्वजा है पीला रंग की ध्वजा, गाय है कवली, नदी है शिप्रा, पक्षी है मयूरा, प्रमुख गद्दी है थार नगरिया उज्जैन। उत्तर भारत के परमारों की कुलदेवी सच्याई माता तथा उज्जैन के परमारों की कुलदेवी काली देवी है। इस वंश में राजा भोज परमार, विक्रमादित्य जैसे सम्राट तथा भर्तहरि जैसे संतों ने भी जन्म लिया। अब बात करते हैं परमार वंश की मुख्य खापे एवं ठिकानों के बारे में। परमारों की पहली शाखा है वराह परमार,
इन्हें नौकोटी मारवाड़ के संस्थापक धरणी वराहजी का वंशज माना जाता है। अभी परमारों में यह खाप नज़र नहीं आती। नवीं शताब्दी में इनका भाटियों से संघर्ष चला था। लोदरवा परमार, यह परमारों की प्राचीन खाप है। भाणजी के वंशजों का शासन लोदरवा पर होने के कारण इन्हें लोदरवा परमार कहा गया। भाटियों ने इनके राज्य को समाप्त कर अपना अधिकार जमा लिया था। बूटा परमार, यह परमार की वराह तथा लोदरवा परमारों के समकालीन थे। भाटी राजपूतों से इन्होंने भी संघर्ष किया था, लेकिन अंत में भाटी विजय रहे। चन्ना परमार, यह परमारों की एक प्राचीन खाप थी। मोरी, यह भी परमारों की प्राचीन खाप थी। राजा मोरी परमार के वंशज ही मोरी परमार कहलाए। आज भी मोरी परमार चित्तौड़ तथा मालवा क्षेत्र में रहते हैं। सुमरा, राजा सुमरा परमार के वंशज ही सुमरा परमार कहलाए। नवीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सिंध के कई भागों पर इनका शासन था। उमरा सुमरा ने ही 9वीं सदी में उमरकोट अथवा अमरकोट बसाया। अमरकोट पर 13वीं सदी में सोढ़ा परमार राजपूतों ने अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के समय सुमरा परमार मुसलमान बन गए थे। उमट परमार, इस खाप की उत्पत्ति के अनेक मत है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अमरकोट के संस्थापक उमरा सुमरा के वंशजी उमट परमार कहलाए। ग्वालियर के पास नरसिंहगढ़ व राजगढ़ उमट परमारों के राज्य थे। यहाँ यह परमार आज भी बसे हुए हैं। बिहल परमार, यह भी परमारों की प्राचीन खाप है, जिनकी उत्पत्ति का स्पष्ट पता नहीं चलता। आबू के पास इनका राज्य था। डोडिया परमार, राजा उदयादित्य के पुत्र पील धवल के वंशज माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति विक्रम संवत 900 से पूर्व ही हो चुकी थी। परमारों की प्राचीन खाप होने के कारण इन्हें 36 राजपूत कुलों में भी जोड़ा गया। गुजरात में बड़ौदा के पास डोडा नामक स्थान से निकास के कारण यह परमार डोड अथवा डोडिया कहलाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में यह परमार सर्वाधिक निवास करते हैं। इस परमार शाखा में अनेक वीर पुरुषों ने भी जन्म लिया। सोढ़ा परमार, किराड़ों के शासक राजा धरणी वराह के वंशज सोढ़ा तथा सांखला दो भाई थे। सोढ़ा जी के वंशज सोढ़ा परमार तथा सांखला जी के वंशज सांखला परमार कहलाए। राजा धरणी वराह 7वीं शताब्दी में नौकोट के राजा थे। सोढ़ा परमारों की मुख्य खापे हैं भाण सोढ़ा, अमरकोट के शासक दुर्जनसल के बड़े पुत्र खेमरा सिंहासन पर बैठे। इन्हीं के छोटे पुत्र भाणजी के वंशज भाण सोढ़ा कहलाए। केलन सोढ़ा, भाणजी के भाई केलन जी के वंशज केलन सोढ़ा कहलाए। यह आज घाट क्षेत्र पाकिस्तान में रहते हैं। नागड़ सोढ़ा, केलन जी के भाई नागड़ जी के वंशज हैं ये। संग्राम सिंह सोढ़ा, यह नाहड़ जी के भाई संग्राम सिंह जी के वंशज है। अमरकोट के आसपास घाट क्षेत्र में बसे हैं। बेरसी सोडा, अमरकोट के शासक हमीर जी के पुत्र बेरसी जी के वंशज बेरसी सोडा कहलाए। इनकी तीन मुख्य खापे हैं नब्बा सोडा, देवा सोडा, रायब सोडा। बरजांग सोडा, बेरसी जी के भाई बरजांग जी के वंशज हैं ये। उदा सोडा, बरजांगण जी के भाई उदा जी के वंशज हैं ये। यह आज प्राय पाकिस्तान में ही बसते हैं। महरान सोडा, उदा जी के पुत्र कुंपा, कुंपा जी के पुत्र बेहसल तथा बेहसल जी के पुत्र महिरावण हुए। इन्हीं महिरावण जी के वंशज महरावण सोडा कहलाए। सादुल सोडा, महिरावण सिंह जी के पुत्र खेत सिंह के पुत्र सादुल जी के वंशज सादुल सोडा कहलाए। यह भी प्राय पाकिस्तान में ही बसते हैं। अखेराज सोडा, सादुल जी के भाई लाखा जी के पुत्र अखेराज जी के वंशज अखेराज सोडा कहलाए। जेतमल सोढ़ा, खेतसी के पुत्र कान्हा जी के पुत्र जेतमल जी के वंशज हैं ये। सरा सोढ़ा, कान्हा जी के पुत्र सूरा जी के वंशज हैं। मघा सोढ़ा, कान्हा जी के पुत्र मघा जी के वंशज हैं। धोधा सोढ़ा, अमरकोट के शासक अवतारदे के पुत्र धोधा जी के वंशज हैं। तेजमालोद सोढ़ा, अमरकोट के शासक तेज सिंह जी के वंशज हैं। करनिया सोढ़ा, तेज सिंह जी के परपोत्र करणी सिंह जी के वंशज है। बिजेराण सोडा, अमरकोट के शासक हमीर जी के पोतर बीजा जी के वंशज हैं। नरसिंह सोडा, हमीर जी के वंशज नरसिंह जी के वंशज हैं। सुरतान सोडा, तेज सिंह जी के वंशज गंगा सिंह जी के पुत्र सुरतान सिंह जी के वंशज सुरतान सोडा कहलाए। पाकिस्तान के छाछरों व फागलियों
इनके ठिकाने थे। नरपाल सोढ़ा अमरकोट के राजा राणा तेज सिंह के पुत्र नरपाल जी के वंशज हैं। गंगदास सोढ़ा राणा गंगा जी के वंशज गंगदास सोढ़ा कहलाए। अमरकोट के आसपास इनके ठिकाने थे। भोजराज सोढ़ा गंगा जी के परपोत्र भोजराज जी के वंशज हैं ये सोढ़ा। छोल खोरा तथा ठिगारी इनके ठिकाने थे। जोधा सोढ़ा गंगा जी के पुत्र मान सिंह जी के तथा मान सिंह जी के पुत्र जोधा जी के वंशज जोधा सोढ़ा कहलाए। आसराव सोढ़ा अमरकोट के शासक दुर्जन साल के छोटे भाई आसराव जी ने पारकर क्षेत्र पर अधिकार किया। इसी आसराव जी के वंशज आसराव सोढ़ा कहलाए। यह सोढ़ा परमार बिहार के नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। सांखला परमार किराड़ो के शासक धनी वराह जी के वंशज बाहर जी के पुत्र सांखल जी के वंशज सांखला परमार कहलाए। भायल परमार उदयचंद जी के वंशज भायल जी के वंशज भायल परमार कहलाए। मारवाड़ में इनके अनेक गांव थे। भाभा परमार उदयादित्य परमार के पुत्र तथा ऋण धवल जी के पुत्र वीरसल जी के पुत्र भाभा जी के वंशज भाभा परमार कहलाए। हुण परमार ऋण धवल जी के पुत्र हुण के वंशज हुण परमार कहलाए। यह परमारों की प्राचीन खाप है। आक्रमणकारी हुण जाति से यह भिन्न है। सावंत परमार ऋण धवल जी के पुत्र हमीर जी के पुत्र सावंत जी के वंशज सावंत परमार कहलाए। बारड़ परमार यह परमारों की प्राचीन खाप है। इस खाप की उत्पत्ति भी उदयादित्य के वंशजों से ही मानी जाती है। सुजान परमार हमीर जी के पुत्र सुजान जी के वंशज हैं ये। कुंतल परमार हमीर जी के पुत्र कुंतल जी के वंशज हैं। हुरड़ परमार ऋण धवल जी के पुत्र महीदेव जी के पुत्र करमन जी के पुत्र हुरड़ जी के वंशज हुड़ परमार कहलाए। सलाड़त परमार महीदेव जी के पुत्र साला जी के वंशज हैं। रबड़िया परमार महीदेव जी के पुत्र रबड़ जी के वंशज हैं। थलवार महीदेव जी के पुत्र रबड़ जी के ये भी वंशज हैं। धंध परमार महीदेव जी के पुत्र धंध जी के वंशज हैं। सिंघन परमार महीदेव जी के पुत्र अमरेश जी के वंशज हैं। कुरड़ परमार अमरेश जी के पुत्र कुरड़ जी के वंशज हैं। उल्धा परमार अमरेश जी के पुत्र उल्हद जी के वंशज हैं। बलीला परमार अमरेश जी के पुत्र बलील जी के वंशज हैं। गूंगा परमार जगदेव जी के पुत्र गूंगा जी के वंशज गूंगा परमार कहलाए। ढाक बाड़मेर इनका ठिकाना था। काबा परमार जगदेव जी के पुत्र काबा जी के वंशज काबा परमार कहलाए। गहलड़ परमार जगदेव जी के पुत्र गहला जी के वंशज हैं। सिंघल परमार सिंघल जी परमार के वंशज हैं ये। गुजरात में बाड़ू बेलो इनका मुख्य ठिकाना था। नांगल परमार यह भी परमारों की एक मुख्य खाप थी। थिरिया परमार यह परमार जैसलमेर में कुछ हिस्सों में बसे हैं। जोखा परमार ऋण धवल जी के पुत्र पातल जी के पुत्र जोखा जी के वंशज जोखा परमार कहलाए। नल परमार ऋण धवल जी के पुत्र पातल जी के पुत्र नल जी के वंशज नल परमार कहलाए। मदन परमार पातल जी के पुत्र मदन जी के वंशज हैं। पोसवा परमार पातल जी के वंशज पोसवा जी के वंशज हैं। खहर परमार पातल जी के पुत्र खहर जी के वंशज हैं। कालमा पातल जी के पुत्र कालमा जी के वंशज हैं। सरबड़िया पातल जी के पुत्र सरबड़ जी के वंशज हैं। शुक्ला परमार उदादित्य के पुत्र महीधवल जी के पुत्र शुक्ल जी के वंशज शुक्ला परमार कहलाए। महपावत परमार राजा भोज के वंशज महिपाल जी के वंशज महपावत परमार कहलाए। अजमेर के पास पीसांगन इनका राज्य था। डेकहा परमार यह परमार बिहार के साहबा तथा पटना में बसे हुए हैं। इसके अलावा परमारों की यह और भी अनेक खापे हैं। इनके बारे में और परमार राजपूतों के राज्यों का विस्तार से इतिहास आप हमारी वेबसाइट rajputmystery.com पर जाकर देख सकते हैं तथा हमारे चैनल राजपूत मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। जय भवानी जय राजपूताना।